डॉक्टर विकास शर्मा, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, नेशनल हेल्थ मिशन मेडिकल एम्प्लॉयज एसोसिएशन जम्मू कश्मीर। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर मेडिकल फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुशील सुदन सर जी से। और हम जो है दोनों एक ही हेल्थ डिपार्टमेंट का ही हिस्सा है, एक ही तरह के काम करते हैं, एक ही हॉस्पिटलों में एक ही तरीके का काम करते हैं। और हमारी कुछ जेन्युइन डिमांड है, 2005 से जो है नेशनल हेल्थ मिशन जो है भारत सरकार जो है डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट यूटीज में चला रही है। हमारे जम्मू कश्मीर में 2008 से हमें जो है रिक्रूट किया गया था, और हमें 2008 से लेकर आज 2024 तक हम अभी भी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं। हमारे लिए सरकार ने 2018 में एक कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ उस समय के हेल्थ मिनिस्टर बाली भगत साहब जी के, जिन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि हमारी जो इम्प्लॉयज है इनको फेज मैनर में जो है रेगुलराइज किया जाए, और ताकि जो फाइनेंशियल बर्डन भी सरकार पे ना पड़े और जो है हम धीरे धीरे जो लोग हैं वो सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब भी हो जाए। इसी तरीके से कुछ दूसरी स्टेट्स ने हमारे वेजेस को लेकर भी काम किया, जैसे हरियाणा ने बाईलास बनाए हैं, सर्विस बाईलास, और उसमें जो उन्होंने सैलरी है इक्वल वर्क और इक्वल पे जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है उसके हिसाब से उन्होंने सैलरी को इन्हेंस किया है। मणिपुर स्टेट ने एनएचएम इम्प्लॉयज को रेगुलराइज किया है, अभी रिसेंटली महाराष्ट्र ने उसको रेगुलराइज किया है। इसी तरीके से ओडिशा और कुछ और स्टेट्स हैं जैसे दिल्ली यूटी और दूसरी लद्दाख यूटी ने भी 100% जो अपने वेजेस है एनएचएम इम्प्लॉयज के लिए बढ़ाए हैं। हम भी चाहते हैं कि सरकार जो है हमारी जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है जो अच्छा काम करने के लिए जानी जाती है, हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि एनएचएम इम्प्लॉयज के लिए भी वो अच्छे दिन लेकर आएंगे। जैसा कि कल हम चीफ सेक्रेटरी साहब अतुल डुल्लो साहब और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी आबिद सर से मिले हैं, और थोड़े दिन पहले हमारी एक डेलीगेशन एलजी मनोज सिन्हा साहब से भी मिली थी, उन्होंने भी हमें एश्योर किया था कि जो आपकी जेन्युइन डिमांड्स हैं उसके ऊपर हम जो है गौर करेंगे और आने वाले दिनों में आपको भी जो है इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। जी सर, मैं सुशील सूदन, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर मेडिकल फेडरेशन, एनएचएम इम्प्लॉय एसोसिएशन जो पिछले काफी अरसा से जो स्ट्रगल कर रही है। 2018 में एक इनकी बहुत बड़ी स्ट्रगल हुई थी जिसमें गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी की रिकमेंडेशंस है कि फेज मैनर में इनको रिप्लाइज किया जाए। 6 साल हो गए उस पर कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ है। तो अभी कल चीफ सेक्रेटरी साहब से और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब से उनसे मुलाकात हुई है, तो उन्होंने ये यकीन दिलाया है कि हम वो जो आपकी फाइल है रियलाइजेशन की उसको हम जल्द से जल्द फॉलो करेंगे और चलाएंगे। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो रेगुलाइजेशन है उसको जल्द से जल्द फेज मैनर में उसको रेगुलाइज करें। जब तक जो ये रेगुलाइज होता तब तक जो सुप्रीम कोर्ट का है कि उकल वर्क की उकल पे, जैसे बाकी जो एम्प्लॉयज हैं उनको बेनिफिट मिलता है, पे मिलती है, इनको भी मिलनी चाहिए, क्योंकि ये वही काम करते हैं जो एक सरकारी मुलाजिम करता है। तो हमारी आपके माध्यम से एक बार फिर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे मनोज सिन्हा जी हैं, चीफ सेक्रेटरी डुल्लू साहब हैं और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी साहब से, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी जो जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि बहुत सारी स्टेटें हैं जिन्होंने रेगुलराइज किया हुआ है, बहुत सारी स्टेटें हैं जिनमें जैसे हरियाणा में यूकुल बार की यूकुल पे पर काम हो रहा है, तो हमारी जो जम्मू कश्मीर है ये भी यूटी है, तो इस पर अभी ले हमारे से अलग हुआ है, उन्होंने 100% वेजेस जो बढ़ा दिए हैं, तो जम्मू कश्मीर में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और उन्होंने ये यकीन दिलाया कि हम जल्दी जल्दी इस डिमांड को जो आपकी हाईलाइट करेंगे और इनको मानेंगे। तो हमारी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी नेगोशिएशन के साथ इनके साथ जो बातचीत हुई है इस पर ये हमारी डिमांड्स को फुलफिल करेंगे।